बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अब महागठबंधन नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। उनकी बातों में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। क्या है, नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम दो सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। अभी लोग महागठबंधन में हैं या नहीं? अभी कहाँ, मतलब गठबंधन तो टूट गया, इन्होंने गठबंधन का रिश्ता नहीं निभाया। अभी हम दो चुनाव अपने जीत के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ आ रहे हैं और आज से प्रोग्राम और तेज हो। क्या उम्मीद क्या है दोनों सीटों पर? दोनों सीटों पर कांग्रेस बराबर की टक्कर में है और जीत की ओर बढ़ रही है। लेकिन NDA तो कह रहा है कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं आप लोग, उसमें क्या है? NDA क्या कहे, उससे हमारा मतलब क्या? जनता को निर्णय लेना है। जनता ने सबका देख चुका है, सबको, RJD को और NDA को देख चुका है, वो क्या कर रहे हैं देश के साथ, क्या कर रहे हैं अपने NDA सरकार में देश के साथ, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सरकार क्या कर रही है, ये जनता देख रही है, जनता फैसला कर रही है। तो जनता के फैसले के साथ चलना पड़ेगा, उनके कहने से या किसी के कहने से कुछ होगा। क्या जीत आपकी होगी इस बार? निश्चित, दोनों सीटों पर निश्चित, दोनों सीट पर हम जम के लड़ रहे हैं और आज से बहुत व्यापक होगा। मैं यहाँ पर चुनाव अंत तक हूँ। उन्होंने बिहार विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का भी दावा किया और साफ साफ कहा कि निश्चित तौर पर जनता जो चाहती थी कि कांग्रेस अकेले मैदान में आए, उसी को लेकर के हम लोग अकेले मैदान में हैं। और इस बार अगर हम कहें दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत होगी और इसको लेकर लगातार हमारे स्टार प्रचारक और हम लोग जो है प्रचार कर रहे हैं। कुंदन कुमार, ATV भारत, पटना।